और चीन के कर्नल ने क्या है खतरनाक खुलासा किया। अमेरिका ने समंदर में क्यों अपनी पनडुब्बियों को खतरनाक मिसाइलों से लैस किया है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड वॉर। चीन के कर्नल ने परमाणु बम अटैक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। चीनी कर्नल ने अपने बयान में कहा है कि चीन के पास परमाणु हमला करने की ताकत है। बैलिस्टिक मिसाइलों को छिपाने के लिए सुरंग बनाई गई है। इतना ही नहीं, चीन ने 2 दशकों से हथियार का बजट भी बढ़ाया है। अमेरिका ने समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी पनडुब्बियों को खतरनाक मिसाइलों से लैस किया है। चीन से खतरे को देखते हुए यूएस नेवी ने यह कदम उठाया है। यूएस नेवी ने अपने बेड़े में एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की तादाद भी बढ़ा दी है। अफगानिस्तान से यूएस सैनिकों की वापसी के अमेरिका के फैसले पर जर्मनी ने अपनी नाराजगी जताई है। जर्मनी ने कहा है कि यूएस के फैसले से नाटो के सदस्यों को नुकसान हुआ है। वहीं नाटो प्रमुख ने भी कहा है कि यूएस का ये फैसला आने वाले समय में भारी पड़ेगा। ईरान ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर अमेरिका उसके खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की कोई उकसाने वाली कार्रवाई दुनिया और क्षेत्र की शांति के लिए खतरनाक होगी। तुर्की के खिलाफ अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए ग्रीस ने अमेरिका से 2 दर्जन F-35 फाइटर जेट खरीदने का प्लान बनाया है। ग्रीस ने अमेरिका से रक्षा खरीद को मंजूरी देने की अपील की है। तुर्की की संसद में नार्गोनो काराबाख में सैनिक भेजने का बिल पेश किया गया है। बिल में नार्गोनो काराबाख में रूस के शांति सैनिकों के साथ तुर्की के सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव है। काराबाख में फिलहाल रूस के शांति सैनिक तैनात हैं। नार्गोनो काराबाख के भविष्य की चर्चा के लिए मॉस्को में रूस, अमेरिका और फ्रांस के राजनयिकों की बैठक हुई। रूस ने कहा कि काराबाख के भविष्य को लेकर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। काराबाख के कई इलाके अजरबैजान को सौंपे गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक काराबाख हमेशा से अजरबैजान का हिस्सा रहा है। रूस ने कहा कि उसके सैनिक काराबाख में सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए तैनात हैं। काराबाख में हार को लेकर आर्मेनिया में हंगामा हो रहा है। अब आर्मेनिया सेना के प्रमुख ओनिक गैस्परयान ने काराबाख की जंग में हार की जिम्मेदारी ली है। ओनिक ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।